पंचायतों के चुनावी दंगल में जिला परिषद का चुनाव एक राजनीति की बड़ी सीढ़ी साबित होती है। प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं के ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ते लड़ते लोकसभा तक का सफर तय किया है, जिसमें चाहे भिवानी के भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह हो या इनेलो के प्रमुख अभय चौटाला। इस कड़ी में सोनीपत जिला के वार्ड 2 में भी जिला परिषद का चुनाव बड़ा रोचक हो चला है। भैंसवान खुर्द से अजमेर उर्फ लोहरी चुनावी मैदान में मतदाताओं के दिल में बसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तथा उन्हें उम्मीद है कि वे हर हाल में चुनाव जीतेंगे। टीकाराम शिक्षण संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनकी एक बेहतर छवि और बहुत ही सुलझे हुए युवाओं के तौर पर उनकी गिनती होती है। युवा होने के साथ साथ वे ग्रामीणों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। जगत महान न्यूज ने जब उनसे इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद में मिलने वाले ग्रांट को सही जगह पर लगवाना उनकी प्राथमिकता होगी तथा वे चाहते हैं कि किसी भी वंचित व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए वे अभी तक अपने 9 गांवों में हर घर तक पहुंचकर अपना विजन पेश कर चुके हैं। वार्ड नंबर 2 की जनता की तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार अजमेर को एक मौका देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत और जिला परिषद के चुनाव 12 तारीख को और 9 तारीख को पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से सरगर्मियां हैं उसी को देखते हुए हमारी टीम लगातार गांवों में सर्वे कर रही है और आज हम पहुंचे हैं भैंसवान गांव में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर उर्फ लोहरी, जो कि जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से चुनाव मैदान में उतरे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। अजमेर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। 2 वार्ड से जितने मेरे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, जो सबको मेरा नमस्कार जी। अजमेर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, मैंने 95 में चुनाव लड़ा कॉलेज से जवान सेक्रेटरी का, वहाँ भी मेरी सर्व समिति से वो जवान सेक्रेटरी मेरे को मिली जी। 2 बार मैं संस्था में टीकाराम संस्था सोनीपत, दूसरी बार मैं वहाँ पे मेम्बर हूँ। दोनों बार चुनाव हुआ वार्ड में जी। तो वहाँ सुरेंद्र दैया जो अपने प्रधान जी, उनकी उससे मेरे वो आशीर्वाद से दूसरी बार संस्था में चुनाव में मेंबर हूँ वहाँ पे जी। और मैं पिछली दूसरी योजना में मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा था गांव से जी। सभी ने, ये तो मुकद्दर की बात है, बाग की बात है, सबका आशीर्वाद अच्छा मिला जी। वो तो सबसे खुशी से चुनाव लड़ा, मतदान हुआ, ना किसी से नाराजगी। अब जिला परिषद की बात, अब की बार मन बनाया जी। तो हमने सोचा कि जो देखते आ रहे हैं, जो पीछे जिला परिषद भाई बने जो और भी हैं, मन कराया कि हमने भी मौका मिला तो जो से 2 वार्ड है मेरे 9 गांव आते हैं जी। तो मैं सोचता हूँ, मेरे एक मन में वो रहता है, मैं जो चीज़ मेरे को मिले ना, वो उनकी चीज़ होती है जो मेरे को देते हैं जी। भाई मैं 9 के 9 गांव में अपने जिला परिषद से मौका मिला तो आशीर्वाद से 9 के 9 गांव में, जैसे गलियां में कुछ सुधार की बात, गलियों सुधार की जी, ट्यूबवेल की बात है, जैसे कोई और भी समाज के बात काम बते रहे हैं, जैसे कोई पेंशन के बारे में दुखी हो रहा है, हर बात से मैं 9 के 9 गांव में अपने वार्ड में सब सेवा की होना चाहता हूँ। मैं अपना फर्ज, अपने धर्म मानो, मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिले तो मैं सारे के सारे 9 के 9 गांव में बहुत कुछ करना चाहता हूँ जी। अजमेर जी, आप विकास करना चाहते हो, 9 के 9 गांव के में समाज से बिठाना चाहते हो। एक नेता जो होता है वो सभी का एक, मैं कहता हूँ सबको लेके चल, साथ लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। सब भी जिस तरह के मुद्दे, लड़ाई झगड़े या दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको निपटाने का काम भी नेता कई बार करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह का सामंजस्य बैठाएंगे कि युवा भी गलत रास्ते पर ना जाएँ, बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखा जाए और महिलाओं को भी सुरक्षित माहौल मिले? मैं पहले तो सभी प्रदेशवासियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये मतदान का दिन आया है, आएगा, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ तो शांतिपूर्वक हो, सबसे पहली बात तो यही है। अच्छा, मैंने कभी भी चुनाव
लड़ा है, हार हुई जीत हुई, मैंने कभी दोबारा किसी से आप सामाजिक जो भाई हैं कोई बात नहीं, जो आयो आय जब भी कोई मौका आता है हर बार नया समीकरण बनता है जी। तो मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं, मैं किसी भाई से वो लाना हो पाए मैं आपने वोट नहीं दी ना, कभी नहीं ना कभी किसी से झगड़ा किया मैंने आज तक। हाँ, हर पंचायत में गए हैं, बड़ों के साथ बातें सीखी, संस्कार लिए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हैं सब जानते हैं मेरे को, सब बुजुर्ग भी जानते हैं, भाई जानते हैं, सब सभी बच्चों को समझाने का काम करते हैं। एक तो नशे से, एक बड़ों का सम्मान करो, बड़ों के साथ बैठो, टाइम दो। मैं तो संस्कार की बात है, सभी ये यहाँ मेरे गांव में सभी युवा हैं और पूरा गवाना तहसील मेरे को जानते हैं, युवा जो बच्चे हैं जो साथी पुराने भी हैं सब सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरी सभी से निवेदन यही है कि मैं हमेशा मेरी कोशिश रही है सभी बच्चों से साथियों से कोई गलत काम, नशा, कोई और गलत काम, चोरी, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बड़ा सम्मान करो, अपनी शिक्षा करो और जो काम है जमीन का है, खेती का, किसी का काम करो और अपने यानी कि कोई गलत काम ना करके भाईचारे के साथ रहें और मतलब काम करना चाहिए। अभी जो ये चुनाव चल रहा है इसमें किसी गांव का आपको आशीर्वाद मिला है या फिर आप जा रहे हो लोगों का किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखो, हम गांव में डोर टू डोर चल रहे हैं जी, डोर टू डोर चल रहे हैं और अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है बुज़ुर्गों का, साथियों का। मैं तो एक बात कहता हूँ सभी से, भाई जो संस्कार से जो ज़मीन से जुड़े हुए आपको ये एक बार मौका दे तो आपको मैं दोबारा से, मैं ये नहीं कहूँगा अब मैं दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ूँ, आप अगर कहोगे तो मैं चुनाव जब लड़ूँगा दोबारा, मेरे काम को देखते हुए, मेरे संस्कार को देखते हुए, मेरा सभी से यही बात है। और मैं गांव डोर टू डोर जाता हूं, सभी बुज़ुर्गों का, युवा साथियों का साथ है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेता हूं, हर बैठक में, हर घर में मिलता हूं, जाता हूं। मैं कोई ये नहीं कि इतने बोर्ड लगवा दिए, इतने वो कर दिया, रोड पर गए इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, नहीं, मैं नरम उससे स्वभाव आदमी हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। बुज़ुर्ग क्या कहते हैं, क्या बात है बेटा, कहते वो नहीं है बड़े पैसे दिखे नहीं, वो सब समझाते हैं, उनकी बात में बड़ा मज़ा आता है, आशीर्वाद चाहता हूँ उनका जी। आप जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि भी बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और सबको समझाते हो आप, तो आपको लग रहा है कि आपकी बार के चुनाव में आपको जिस प्रकार से ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव में आप सर्वसम्मति से बन गए, सीआर कॉलेज में भी आप चुने गए और दूसरी जगह पे भी गांव में भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी आपको अच्छा आशीर्वाद मिला, अब की बार भी अच्छा आशीर्वाद मिलने की संभावना है, जीत आपको नज़र आ रही है? देखो, जो हर कैंडिडेट होता है जो चुनाव लड़ता है उसको अपनी जीत नज़र आती है। मैं अपनी एक बात वो कहता हूँ, मेरा दिल मानता है, मैं बुज़ुर्गों का आशीर्वाद से, युवाओं का प्यार से, मेरा दिल मानता है, मेरा दिल गवाही देता है, मैं जिला परिषद में मेरे को ये मौका मिलेगा भगवान की दया से, यु बुज़ुर्गों की, युवा साथियों की दया से। यानी कि पंचायती उम्मीदवार के रूप में आप उतरे हैं या किसी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में? मैं पंचायती उम्मीदवार उससे उतरा हूँ जी। अब क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली जो 9 तारीख है या 12 तारीख है उस दिन आपको कैसे वोट? मैं तो दो वार्ड से सभी अपने मतदाताओं से एक बात पहले भी कह चुका हूँ प्रदेशवासियों को, मतदाता वार्ड के दो वार्ड से मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले शांति का मतदान करें, भाईचारा खराब ना करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सभी से अनुरोध करता हूं एक मौका ज़रूर दें भाई अजमेर लोरी को, मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, एक मौका मांगता हूं, सिर्फ एक मौका ज़रूर दें। तो दर्शकों, ये थे अजमेर लोहरी वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद के, ये कह रहे हैं कि मैं समाज में सामाजिक माहौल अच्छा बनाने का काम करूंगा, युवाओं को कहूंगा कि वो संस्कारों के साथ रहकर बड़ों का आदर सम्मान करें और भाईचारे के साथ रहें, और दूसरी भी ये समस्याओं को उठा रहे हैं, पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की भी बात कर रहे हैं और दूसरे मुद्दों पर भी इन्होंने बात की है। देखते हैं आने वाले समय में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इन 9 गाँवों का विकास करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गांव भैसवान से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।